हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीरीज एक्स और आप सबका स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। और गैस, आज मैं आप सबके उन सवालों के जवाब दूंगा जो आप लोगों ने मेरे गॉड ऑफ वॉर 4 वाले वीडियो में मुझसे पूछा था। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर गेमिंग स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ और मैंने गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3, 4 के साथ और भी कई गेम की स्टोरी कवर की है, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो गैस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद गॉड ऑफ वॉर से रिलेटेड एक और वीडियो आने वाली है, जिसका टाइटल होगा टॉप 10 गेमिंग कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट क्रेटोस। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से ऐसा कौन सा गेमिंग कैरेक्टर है जो क्रेटोस को टक्कर दे सकता है, जिस कैरेक्टर का नाम सबसे ज्यादा कॉमन और रेलिवेंट होगा मैं उस कैरेक्टर को अपने टॉप 10 लिस्ट में डालूंगा। तो गाइज, इसी के साथ बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पहला सवाल था कि गॉड ऑफ वॉर 5 कब रिलीज होगा। तो गाइज, एग्जैक्ट ईयर बताना तो काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ ही समय पहले गॉड ऑफ वॉर सीरीज के डायरेक्टर कोरी बारलोग ने ये बताया था कि गॉड ऑफ वॉर का अगला पार्ट यानी कि गॉड ऑफ वॉर 5 2022 तक रिलीज हो सकता है। उन्होंने कहा था, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर एसेंशन 2013 में रिलीज हुआ था और गॉड ऑफ वॉर 4 ठीक उसके 5 साल बाद 2018 को रिलीज हुआ था, दोनों के बीच 5 साल का गैप था। लेकिन कोरी बारलोग ने ये स्टेटमेंट दिया कि गॉड ऑफ वॉर का अगला पार्ट गॉड ऑफ वॉर 2018 की तरह 5 साल नहीं लेगा। इसका मतलब ये है कि हमें गॉड ऑफ वॉर 5 2022 से पहले देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल था कि क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 3 के एंड सीन में तो मर गया था, तो गॉड ऑफ वॉर 4 में वो जिंदा कैसे है। तो गाइज, इसका सिंपल सा जवाब है, क्रेटोस मरा ही नहीं था। और ये समझाने मैं आप सबको गॉड ऑफ वॉर 3 के एंड सीन में ले चलता हूँ। हम देखते हैं अथीना क्रेटोस से उस पावर को मांगती है जिससे क्रेटोस ने जीव को खत्म किया, लेकिन क्रेटोस अपने आप को ब्लेड ऑफ ओलंपस से मार लेता है और पूरी एनर्जी आसमान में रिलीज हो जाती है और अथीना ब्लेड ऑफ ओलंपस को क्रेटोस के सीने से निकाल कर चली जाती है। हम देखते हैं क्रेटोस के सीने में एक बड़ा सा छेद हो चुका है और वो बुरी तरह घायल है और वो जमीन पे लेट जाता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जहां क्रेटोस घायल होकर लेटा था, अब क्रेटोस वहां नहीं है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि क्रेटोस जिंदा है और वो कहीं जा चुका है। और कई लोगों ने ये भी पूछा था कि क्रेटोस नॉर्स माइथोलॉजी की दुनिया में कैसे आया और उसका बेटा एट्रियस कब हुआ और फ्रे से उसकी शादी कब हुई। तो गाइस, गॉड ऑफ वॉर 4 में इन सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हो सकता है इन सारे सवालों के जवाब हमें गॉड ऑफ वॉर 5 में मिले। और इसमें कोई शक नहीं कि गॉड ऑफ वॉर 3 तक क्रेटोस के साथ जो कुछ भी हुआ उसे क्रेटोस भुलाना चाहता था। उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरा नहीं और वो आगे बढ़ा और क्रेटोस सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करना चाहता था। और इसी दौरान क्रेटोस नॉर्स माइथोलॉजी में आया होगा, जहां वो फ्रे से मिला और जिससे उसे एट्रियस हुआ। लेकिन वो नॉर्स माइथोलॉजी में कैसे आया और वो फ्रे से कैसे मिला, इन सारे सवालों के जवाब हमें गॉड ऑफ वॉर 5 में ही मिलेंगे। और गाइस, एक और बात है जो मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 की स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन की थी, जहाँ मैंने एंड में बताया था कि एंड में बेल्डोर को मारने के बाद क्रेटोस और एट्रियस फ्रे की राख को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से बहा देते हैं और अपने घर वापस लौटते हैं और जर्नी की थकान की वजह से वो आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जोर की बिजली कड़कती है और क्रेटोस और एट्रियस जब बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ उनके दरवाजे पर थॉर खड़ा होता है। तो गाइज, यहाँ मैंने एक छोटी सी गलती की थी जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। असल में जब क्रेटोस और एट्रियस फ्रे की राख को बहाकर घर लौटते हैं तो वो जर्नी की थकान की वजह से आराम करते हुए सो जाते हैं। और उसके बाद का सीन जहाँ थॉर उनके घर के बाहर आता है, असल में वो रियल नहीं है। एक्चुअली एट्रियस ने ये सब अपने सपने में देखा। एट्रियस जैसे ही सोता है उसकी आंख लग जाती है और वो अपने सपने में देखता है कि खुद थॉर उनके पास आया है। और अगले ही दिन सुबह एट्रियस अपने सपने के बारे में क्रेटोस से कहता है और वो क्रेटोस को बताता है रात में उसने सपना देखा जिसमें थॉर उनके पास उनके घर आया। एट्रियस बताता है वो सपना उसे काफी रियल लगा, उसे लगा वो सपना हकीकत में हुए पलों की तरह था। But it felt different. It felt real. It felt like the future. Then we will worry about it tomorrow.
और गाइस असल में ये कोई रैंडम सपना नहीं है जो एट्रियस ने देखा। हमें पता है फ्रे फ्यूचर देख सकती थी, जिसकी वजह से फ्रे को उसकी मौत के बारे में पता था, और ये भी पता था कि बेल्डोर क्रेटोस और एट्रियस का पीछा करेगा। और क्रेटोस और एट्रियस की जर्नी में जो कुछ भी हुआ फ्रे को पहले से पता था, इसीलिए फ्रे ने उन मोमेंट्स को वॉल में कार्व किया, जिससे ये बात साफ होती है कि फ्रे फ्यूचर देख सकती थी। और क्योंकि एट्रियस फ्रे और क्रेटोस का बेटा है, एट्रियस के पास दोनों पेरेंट्स की एबिलिटीज हैं। जहां एट्रियस के पास अपने फादर की स्पार्टन रेज एबिलिटी है, उसी तरह एट्रियस के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, और इसी वजह से एट्रियस ने थोर को देखा था। असल में एट्रियस ने फ्यूचर विजन देखा था, इसका मतलब आने वाले गॉड ऑफ वॉर 5 में थोर हमें जरूर दिखेगा। फिर यहां एक और सवाल खड़ा होता है कि थोर आखिर क्रेटोस से चाहता क्या है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि थोर का फादर ओडिन क्रेटोस से कुछ चाहता है, जिसकी वजह से ओडिन ने खुद थोर को क्रेटोस के पास भेजा हो। और दूसरा ये है कि क्योंकि क्रेटोस ने थोर के दोनों बेटे मैग्नी और मोदी को मारा था, तो शायद थोर अपने बेटे का बदला लेने आया हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों ही रीजन है जिसकी वजह से थोर क्रेटोस के पास आएगा। और गाइस बिलीव मी, क्रेटोस और थोर की फाइट पूरे गॉड ऑफ वॉर सीरीज की सबसे एपिक बैटल साबित होने वाली है। तो गाइस अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जो है गॉड ऑफ वॉर 5 की स्टोरी क्या होने वाली है। तो गाइस इसमें कोई शक नहीं कि गॉड ऑफ वॉर 5 में हमें रैग्नारोक दिखने वाला है, रैग्नारोक यानी कि दुनिया का अंत। तो गाइस नॉर्स माइथोलॉजी में रैग्नारोक को दुनिया का अंत बताया है, जहां सारे 9 दुनिया के गॉड आपस में लड़ेंगे। और गॉड ऑफ वॉर 4 की स्टोरी के दौरान मिमिर क्रेटोस को बताता है रैग्नारोक 100 साल बाद आने वाला था, लेकिन क्रेटोस ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से रैग्नारोक 3 साल बाद ही आने वाला है। और यहाँ कुछ वार्निंग साइन या सिग्नल है जो रैग्नारोक होने से पहले हमें दिखेंगे, जिसमें से पहला सिग्नल फिम्बल विंटर है जो 100 साल बाद आता, लेकिन बेल्डोर के मौत की वजह से रैग्नारोक समय से पहले होगा, जिसकी वजह से फिम्बल विंटर 3 साल बाद ही आएगा, और ये मिडगार्ड का आखिरी विंटर होगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं, जब बेल्डोर की मौत हुई थी, बेल्डोर मरने से पहले स्नो बोलता है, ये इस बात का इशारा था कि फिम्बल विंटर शुरू हो गया है, और ये बेल्डोर की मौत के साथ ही शुरू हो गया था। और क्योंकि फिम्बल विंटर खत्म होते ही रैग्नारोक शुरू हो जाएगा, और ये मिडगार्ड का आखिरी विंटर है, और ये मिडगार्ड का आखिरी विंटर इसीलिए है क्योंकि इस फिम्बल विंटर के बाद रैग्नारोक शुरू हो जाएगा, जहां सारे 9 दुनिया के गॉड जायंट्स क्रीचर आपस में जंग छेड़ देंगे, और शायद हम क्रेटोस को थोर ओडिन और भी कई एशियर गॉड के साथ लड़ता देख पाए। सो गाइज इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई मेरे द्वारा पोस्ट किए गए गेम से रिलेटेड पोस्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो आप सब seriesxgamingnews.blogspot.com को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट सेक्शन में उस गेमिंग कैरेक्टर का नाम ड्रॉप करना मत भूलना जो आपके हिसाब से क्रेटोस को टक्कर या हरा सकता है। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। आई एम आउट।